हम 10th क्लास का 7वां चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है हिरोशिमा। इसके कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद पातशान, इनको गे भी बोला जाता है। इनको चार शतक की संज्ञा दी जाती है, यानी कि जो कविता का जो दुनिया है उसमें इन्हें एक अलग नाम से विभूषित किया जाता है, और वो नाम है तार शतक। उसके बाद है कि इनका जन्म कब हुआ, तो इनका जन्म हुआ 7 मार्च 1911 ईस्वी में, कुशीनगर में एक जगह है कसेया, वहीं हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में है। लेकिन ये जो इनका जो असल ज़िंदगी है वो पंजाब में बीता, मतलब कि कुशीनगर में जन्म तो हुआ पर वो असल ज़िंदगी पंजाब में बीता। इनकी माता का नाम था बेंती देवी और इनके पिता का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। इन्होंने मैट्रिक किया 1925 ईस्वी में पंजाब यूनिवर्सिटी से, उसके बाद इंटर किया मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से और बीएससी 1929 ईस्वी में फोरमन कॉलेज से किया। उसके बाद एमए इन्होंने इंग्लिश में किया और वो लाहौर, जो कि पाकिस्तान में है। इनकी मृत्यु हुई 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को, और इन्हें बहुत सारा अवार्ड भी मिल चुका है, जैसे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, सुगरा इन्होंने कुछ लिखा था जिसकी रचना पे इन्हें स्वर्ण धूली पुरस्कार भी मिला। उसके बाद है इनकी रचनाओं के बारे में पढ़ना, तो इनकी रचनाएं मूल रूप से इन्हीं सब क्षेत्रों में थी, कहानी संग्रह, उपन्यास, नाटक, निबंध और काव्य। तो कहानी संग्रह में क्या क्या था, तो कहानी संग्रह में था कीप ठगा, जैदोल, ये तेरे प्रतिरूप, छोड़ा रास्ता। उसके बाद उपन्यास में था शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी। उसके बाद है कि इनके नाटक क्या थे, तो इनके नाटक थे उत्तर, प्रियदर्शी। उसके बाद है कि इनका निबंध क्या है, तो त्रिशंकु, शाश्वती, आदतन। और इनकी काव्य रचनाएं हैं भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, सदा नीरा, बावड़ा अहेरी, आंगन के पार, द्वार। और यहाँ पे जो कविता उपस्थित है वो कविता जो इनका सदा नीरा काव्य संग्रह है ना, उसी से संकलित है। और ये कविता एक जगह है हिरोशिमा, जो कि जापान में है, उसी के बारे में है। जापान को आप लोग जानते होंगे कि उगता हुआ सूरज का देश कहा जाता है, और उसी जगह पे जापान में ही एक इतना दर्दनाक दुर्घटना हुआ जिसके बारे में लोगों को अभी तक, मतलब कि उसका अभी तक उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव वहाँ देखा जा सकता है। यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, जो जापान में अमेरिका के द्वारा वहाँ अणुबम का विस्फोट हुआ। वो द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, तो 6 अगस्त 1945 ईस्वी में हुआ था, जो कि जापान में हुआ, हिरोशिमा जगह पे, और उसका प्रभाव अभी भी देखा जाता है। और वहाँ पे कवि कहते हैं कि एक दिन सहसा सूरज निकला, पर वो क्षितिज पे नहीं निकला था, यानी कि नगर के बीच निकला था, और इस तरह से निकला कि वहाँ की जो मानव की जो छाएं थी वो चारों ओर चस्पा हो गई, यानी कि खो गई, विलीन हो गई और बाष्प में बदल गई अनुबम का विस्फोट से। और वहाँ पे सूरज नाम से, यहाँ पे सूरज जो सूरज डेली उगता है उसके बारे में नहीं कहा जा रहा है, यहाँ पे उस सूरज का नाम लिया जा रहा है जो कि मानव के द्वारा बनाया गया है और बहुत ही खतरनाक है, और उस सूरज का नाम तो है अनुबम। यहाँ पे बोला गया है कि आदमी की छाया चारों ओर खो गई उस टाइम और बांस पे विलीन हो गई थी। तो यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट है कि सूरज क्या था यहाँ पे उपस्थित, तो एक अनुबम के रूप में था। बस इस चैप्टर में यही बताया गया है।